अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स ग्रेड 6 साइंस लेक्चर नंबर 2 लेसन नंबर 14 फन विद मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स ब्रिंग योर साइंस बुक, ओपन इट एंड राइट डेट एंड डे प्रॉपरली। Listen to your teacher attentively and mark all the important points set by the teacher on your book. Do all questions on your science homework notebook. The following tasks that we will discuss in this lecture are identifying direction using poles of a magnet, magnetic and non-magnetic materials, magnetic compass, magnetic and artificial magnet, making an artificial magnet, attraction and repulsion between magnets, precaution to be taken while handling magnets. So first we will discuss about identifying direction using poles of a magnet. हम direction किस तरीके से identify कर सकते हैं magnet के poles को use करते हुए। Previous lecture में हमने ये discuss किया, मैंने आपको ये बताया कि जो poles of magnet हैं वो directed होते हैं toward geographical poles of the earth। तो अब चूंकि ये ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ के अकॉर्डिंग प्लेस होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इजी है कि आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल पोल्स होती है और मैग्नेट की भी नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्शन होती है। तो अब उस एक नीडल की जो कि किसी भी कंपास वगैरह में यूज़ की जाती है, जो कि आइडेंटिफाइंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसकी डायरेक्शन से हम बहुत इजीली अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पोल्स ऑफ मैग्नेट हमें किस डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ NEWS आर द 4 डायरेक्शंस यूज्ड ऑन अर्थ फॉर लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। अब ये वो 4 डायरेक्शंस हैं जो कि डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, यानी सिम्त का पता चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन एंशंट टाइम्स पीपल ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस मोस्टली बाय शिप्स ऑन द सीज। पुराने वक्तों में लोग समंदरों के ज़रिए से सफ़र करते थे, यानी बहरी सफ़र करते थे और जहाज़ों में सफ़र करते थे। सेलर्स वॉच द सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड स्टार्स एट नाइट टाइम टू नो द डायरेक्शन। तो जो सेलर था, जो मल्लाह था कश्ती का, वो आसमान पर सूरज को देखता था ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि टाइम क्या हुआ है दिन के वक़्त, और रात के वक़्त वो आसमान पर सितारों को देखकर डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाता था और वक्त का अंदाज़ा लगाता था कि अब ये वक्त है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है और वो किस तरफ को जा रहा है। सो सेलर्स वॉच द सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द स्टार्स एट द नाइट टाइम टू नो द डायरेक्शन। अब यहाँ पर पेज नंबर 148 पे आपके पास मार्किंग डायरेक्शन की एक डायग्राम दिखाई गई है, जहाँ पर आपको चारों डायरेक्शंस दिखाई गई हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स आपके पास इस्तेमाल किए गए हैं बुक पे, एक है पोल स्टार और दूसरा है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। एज द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट वन कैन ईजिली आइडेंटिफाई ईस्ट। जब सूरज मशरक से निकलता है तो हम बहुत ईजिली मशरक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द वेस्ट लाइज ऑपोजिट टू द ईस्ट, और हमें पता है कि ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट में वेस्ट मौजूद है। इफ़ वन स्टैंड फेसिंग द ईस्ट देन नॉर्थ विल बी ऑन हिज और हर लेफ्ट साइड एंड साउथ विल बी ऑन द राइट साइड। कि अगर हम ईस्ट को फेस करते हुए खड़े हो जाएं और हम अपने हाथ बाजू फैला लें, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा ईस्ट है, अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं तो नॉर्थ जो है वो हमारी लेफ्ट साइड पे होगा और साउथ हमारी राइट साइड पे होगा। अब ये वो बेसिक प्रैक्टिस है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। ड्यूरिंग द नाइट वन कैन सी द पोल स्टार इन द स्काई। अब एक पोल स्टार का वर्ड जो हमने यूज़ किया, पोल स्टार को यूज़ किया जा सकता है नाइट स्काई में डायरेक्शन का पता चलाने के लिए। सो विच इज़ पोजिशन एग्जैक्टली अबाउट द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अब पोल स्टार को पोल स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ पे मौजूद होता है। उसकी पोजिशन जो होती है वो एग्जैक्टली अर्थ के नॉर्थ पोल के मुतरादिफ होती है, यानी बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे होती है ऑफ़ द अर्थ टू आइडेंटिफाइड डायरेक्शन। और इसी वजह से जब हमें एक डायरेक्शन का पता है तो हम दूसरी डायरेक्शन का पता
चला सकते हैं. सो दिस पोल स्टार इज़ यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन. द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. अब यहाँ पर हमने एक और वर्ड यूज़ किया जो क्या है, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन को उर्सा मेजर क्यों कहा जाता है? उर्सा का मतलब होता है, ये एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स अ बिग शी बियर. ठीक है, एक बड़ा रीच कह लें. और यहाँ पर उर्सा मेजर से मुराद ये है एक बड़ा रीच. तो आसमान पर स्टार्स की कुछ पोजीशन इस तरीके से होती है दैट इफ़ वी कंबाइन देम सो इट विल गिव शेप ऑफ समवट बियर टाइप. तो इस वजह से इसे उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है. तो उसने कहा कि हम पोजीशन जो है पोल स्टार की उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, यानी इन दोनों की एक दूसरे के एतबार से पोजीशन ईजिली मालूम की जा सकती है. हाउ एवर पीपल केम टू नो द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट एज अर्ली एज डिस्कवरी ऑफ द मैगनेट. लेकिन लोगों ने जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि आप उसे सस्पेंड कर दें फ्रीली, तो लेकिन वो दोबारा से क्या करेगा, वो नॉर्थ पोल डायरेक्शन में चला जाएगा जो कि ज्योग्राफिकल पोल है अर्थ का. सो बेस्ड ऑन दिस दे इन्वेंटेड डिवाइसेस टू आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल डायरेक्शन. तो इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी को देखते हुए लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक चीज़ इन्वेंट की, एक डिवाइस इन्वेंट की जिसे वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते थे और उसे मैग्नेटिक कंपास का नाम दिया गया. आ डिवाइस टू आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक कंपास. अब यहाँ पर आपके पास पिक्चर में पोल स्टार एंड उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन दिखाई गई हैं जिनके रिस्पेक्टिव हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. आपकी बुक पर भी ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक कंपास क्या है, इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं. द कंपास इज़ एन इक्विपमेंट विच शो यू विच डायरेक्शन यू आर गोइंग इन. ये वो आला है जो कि सिम्त बताता है, हमें ये बताता है कि हम किस सिम्त में जा रहे हैं. इट इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑन द अर्थ. ये अर्थ पर डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है. अगर आप इसको हाथ के ऊपर, अपनी पाम के ऊपर बैलेंस्ड सिचुएशन में रखें, बैलेंस्ड पोजिशन में रखें, तो आपको ये एग्जैक्ट पोजिशन बता सकता है दैट द पोजिशन वी आर यू गोइंग हैविंग विच डायरेक्शन, वो हमें डायरेक्शन का बताएगा. इट हैज़ अ मैग्नेटाइज्ड पॉइंटर. इसमें मैग्नेटाइज्ड पॉइंटर है क्योंकि हमें पता है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस करती है इसकी सारी जो वर्किंग है. तो इसमें एक मैग्नेटाइज्ड पॉइंटर होता है विच इज़ पिवोटेड इनसाइड अ ग्लास चैम्बर एंड इज़ फ्री टू रोटेट. और ये एक ग्लास चैम्बर के अंदर मौजूद होता है और इसे एक पिवोट पॉइंट पे, मरकजी पॉइंट पे इसे जोड़ा गया होता है और ये उस मरकजी पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करता है और हमें डायरेक्शंस बताता है. टू नो द डायरेक्शन वेयर एवर यू मे बी ऑन अर्थ यू जस्ट नीड टू प्लेस द कंपास ऑन योर पाम. आपने अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है, आप कंपास को अपनी पाम के ऊपर रखेंगे और आप इसकी डायरेक्शन को ईजिली, आप अपनी डायरेक्शन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. द पिवोटेड मैग्नेटाइज्ड पॉइंटर विल कम टू रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो उसने कहा जो पॉइंटर है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ आकर प्लेस हो जाएगा. आप उससे जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी डायरेक्शन इस टाइम पे क्या है. सो नाउ द पोजीशन ऑफ द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन द डायल विल शो द एक्चुअल ज्योग्राफिकल डायरेक्शन. तो अब डायल के ऊपर जो सारी की सारी जो डायरेक्शंस प्लेस की हुई हैं, उस पर जो मार्किंग्स की हुई हैं, उनसे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस पोजिशन पर खड़े हैं. और ये बेसिकली सबसे पहले इन्वेंट की थी चाइनीज़ ने. द चाइनीज़ इन्वेंट द कंपास थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. हज़ारों साल पहले उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. कंपास जो है वो एक इक्विपमेंट था जिससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते थे. इसे डायरेक्शन फाइंड की जाती थी अर्थ पे कहीं भी और इसमें मैग्नेटाइज्ड पॉइंटर था और इसकी जो टिप थी पॉइंटर की वो पॉइंटेड होती थी टुवर्ड नॉर्थ टू साउथ एंड इज मार्क्ड विद अ सेम कलर यूजुअली रेड टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ. रेड कलर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि रेड कलर से नॉर्थ को आइडेंटिफाई किया गया मैग्नेट पे और ब्लू कलर से साउथ को आइडेंटिफाई किया गया और ग्लास चैम्बर में ये इंक्लोज्ड होती है. अब हम देखेंगे मेकिंग एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाया जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट को बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है. मैन मेड मतलब लाइक इसको हम यूजुअली हाथ से भी इसको कर सकते हैं परफॉर्म और इसको इलेक्ट्रिकली भी बनाया जाता है. तो अब यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हैं आर आल्सो मेड बाय द इलेक्ट्रिकल मेथड्स. इनको इलेक्ट्रिकल मेथड्स के जरिए से बनाया जा सकता है. अब वो इलेक्ट्रिकल मेथड क्या है? इन एन इलेक्ट्रिकल मेथड अ कॉइल ऑफ वायर इज वाउंड अराउंड द आयरन बार एंड हाई करंट इज पास थ्रू इट. अब यहाँ पर होता क्या है, एक जो इलेक्ट्रिकल मेथड है उसमें
कॉइल ऑफ वायर जो है उसको यूज़ किया जाता है, उसको वाउंड किया जाता है एक आयरन बार के सराउंडिंग, उससे वाउंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक पेंसिल लें और उस पेंसिल के इर्द गिर्द जो थ्रेड है उसको वाउंड कर दें, इसी तरह से एक आयरन बार है उसके इर्द गिर्द हम क्या करेंगे, एक कॉइल ऑफ वायर जो है उसको वाउंड कर देंगे। एंड हाई करंट इज पास थ्रू इट, और उसमें से बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल का करंट गुजारेंगे। सो आर्टिफिशियली जो मैग्नेट्स बनते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बनाए जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। तो ऐसे मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड आर्टिफिशियली डिजाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल मैग्नेट। अब ये भी हमारे पास एक पॉइंट है कि जो आर्टिफिशियली डिजाइंड मैग्नेट्स होते हैं वो नेचुरल मैग्नेट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पर, हमारी डे टू डे अप्लाइंसेज जो हैं उनमें यूज़ किया जाता है। अगर आप बुक पे देखें पेज 149 पे, आपकी स्लाइड पे भी पिक्चर नज़र आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन जो है वो डिस्कवर कर ली गई। इस ट्रेन के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया जाता है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट यूज़ जो इस ट्रेन का है, इसमें मैग्नेट्स का यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, जो कि इसकी मूवमेंट को, इसकी स्टेबिलिटी को जो है वो डिसाइड करते हैं और उसको प्रॉपर बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक्टिविटी 5 देखें, यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का एक तरीका बताया गया है जो कि बहुत इजी है, यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम। आपने क्या करना है, आपके पास एक आयरन बार होनी चाहिए, ठीक है, एंड अ बार मैग्नेट, आयरन बार जो कि सिंपल है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, एंड आपके पास एक मैग्नेट होना चाहिए। बार मैग्नेट ले लें वो ज़्यादा ईजी रहेगा। आपने क्या करना है, आपने आयरन बार को टेबल पर रखना है एंड साइड वन ऑफ द पोल्स, आपने उसको स्लाइड वन ऑफ इट्स पोल, आपने उसको एक पोल से स्लाइड करना शुरू करना है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ओवर द आयरन बार, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, आपने आयरन बार को रखना है टेबल के ऊपर, उसके ऊपर आपने अपना जो बार मैग्नेट है उसको लेना है और एक पोल से स्टार्ट करना है। एक पोल से आप स्टार्ट करेंगे और उसको आप उसके ऊपर ड्रैग करेंगे। डू नॉट लिफ्ट द मैग्नेट वाइल स्लाइडिंग इट ओवर द आयरन बार, यानी कि आप उसको स्लाइड करेंगे या ड्रैग करेंगे, आपने उसको उठाना नहीं है, आप उसको उठाएंगे नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, डू नॉट लिफ्ट द मैग्नेट वाइल स्लाइडिंग ओवर द बार मैग्नेट, आप उसको कंटिन्यूअसली नॉर्थ टू साउथ जो है मूव करवाएंगे। अगर आपने नॉर्थ पोल डिसाइड किया, अगर साउथ किया तो साउथ टू नॉर्थ करवाएंगे, यानी आपने एक डायरेक्शन में करवाना है। नेवर स्लाइड बैक द मैग्नेट ऑन द आयरन बार, और ये नहीं करना कि आपने नॉर्थ से साउथ तक आए और साउथ से अगेन वापस नॉर्थ तक चले जाएं, नहीं, आपने जिस साइड से शुरू किया, जिस पोल से शुरू किया, उस पोल से आपने नेक्स्ट पे जाना है एंड आपने स्लाइड बैक नहीं करना। सो आफ्टर यू रीच द अदर एंड लिफ्ट द बार, अब आप बार को उठा लेंगे और अगेन नॉर्थ पोल पे जाके दोबारा से स्लाइड करेंगे। इसी तरीके से आप इसको स्लाइड करते जाएंगे और जब आप इसे 40-50 टाइम्स स्लाइड करेंगे तो आपकी जो आयरन बार है वो बहुत जल्द ही मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी और सक्सेसफुली आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाएगी। आप उसकी मैग्नेटिक पावर को चेक कर सकते हैं, आप नेल्स उठा सकते हैं उसके साथ, पिन्स एक्सेट्रा, जो भी आपके पास मैग्नेट मेटेलिक मटीरियल है आप उसको उठाकर उसे चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ मेथड जो आप बहुत ईजीली कर सकते हैं और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होती किस तरह से है? अब यहाँ पर एक फिनोमेना जो आपने याद रखना है वो ये है, ओपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, परे धकेलेंगे एक दूसरे को, और जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देयर इज़ अ पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन की पावर भी है अपने तरफ खींचने की और अपने से परे धकेलने की पावर भी है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की पावर है बिटवीन मैग्नेट्स को, दिस इज़ बेसिकली द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। सो द सिमिलर पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द ऑपोजिट पोल्स, सिमिलर पोल्स विल रिपेल ईच अदर एंड द ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपके पेज नंबर 150 पे राइट भी किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास कुछ डायग्राम में ग्राफिकल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आपने देखा कि साउथ एंड नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने थे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, एरोज इनवर्ड बने हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर नॉर्थ टू साउथ हो, जिस भी तरीके से आप कर लें। लेकिन अगर दोनों नॉर्थ टू नॉर्थ पोल हों तो वो भी रिपेल करेंगे, साउथ टू साउथ पोल हों तो वो भी रिपेल करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है, अटैच एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, यानी ऑपोजिट पोल्स हमेशा से अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसको आप देख सकते हैं अपने पेज में 140 150 पे, आपके पास फिगर
14.9 है, इस 14.9 फिगर में आप देख सकते हैं. सो द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल रिपेल बाय द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट एंड द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, और सिमिलर पोल इसको अट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल हैंडलिंग अ मैग्नेट. जब आप एक मैग्नेट को हैंडल कर रहे हैं वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं. सबसे पहले नेवर हीट अ मैग्नेट, क्योंकि अगर हम इन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते तो मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर जाएगा. तो आपने कभी मैग्नेट को हीट नहीं करना. अगर आप इसे हीट करेंगे तो उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा, यानी उसमें मैग्नेटिज्म की पावर नहीं रहेगी, वो एक सिंपल मेटल में चेंज हो जाएगा. सेकेंड वन इज़ दैट कीप मैग्नेटिक मटीरियल अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट. अगर आपने उसको डायरेक्ट हीट नहीं करना तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसे किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के नज़दीक नहीं रखना. डू नॉट हैमर मैग्नेट विद अदर ऑब्जेक्ट. आप किसी भी मैग्नेट को किसी भारी ऑब्जेक्ट के साथ हैमर नहीं कर सकते. इससे क्या होगा, इससे आपका मैग्नेट की मैग्नेटिक एबिलिटी कम हो जाएगी बल्कि ख़त्म हो जाएगी. कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम डिवाइसेज विच यूज़ मैग्नेट लाइक मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन सेट, कंप्यूटर एंड म्यूजिक सिस्टम्स. कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें मैग्नेट यूज़ हुआ है उसके नज़दीक मैग्नेट्स आप नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इससे जो कलर स्पेक्ट्रम है उन डिवाइसेस का वो ख़राब हो जाएगा एंड मैग्नेट की मैग्नेटिज्म पे भी असर पड़ेगा. क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के नज़दीक आता है तो जो कलर स्पेक्ट्रम है आपकी डिवाइस का वो डिस्टर्ब हो जाता है. ये कॉमनली आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कभी मिस्टेकनली टीवी के सामने मैग्नेट रख देते हैं तो टीवी का जो कलर है वो सब चेंज हो जाते हैं. तो ये अब यहाँ पे आपके पास कॉमन हाउस होल्ड एग्जाम्पल आ गई कि प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए. कीप मैग्नेट लाइक मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन एक्सेट्रा, कंप्यूटर एंड म्यूजिक सिस्टम अवे. अब आपके पास यहाँ पर कुछ होमवर्क है. होमवर्क में आप सबसे पहले डायरी ओपन करेंगे, राइट डेट, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे एंड देन राइट डाउन योर डायरी. और आप होमवर्क करने से पहले अपना इंडेक्स राइट करेंगे, राइट डाउन सीरियल नंबर, डेट एंड देन टॉपिक दैट इज़ फन विद मैग्नेट्स. उसके बाद आप अपना होमवर्क स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पर हम होमवर्क डिस्कस करते हैं. आपने टास्क डी जो है, डू टास्क डी ऑन योर होमवर्क नोटबुक एंड नाउ यू नो क्वेश्चन ऑन योर बुक. नाउ यू नो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी हैं. हमने पिछले लेक्चर में टास्क सी एंड डी डिस्कस किया. आप जब वो टास्क कर लेंगे तो आपके लिए नाउ यू नो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा. एंड सेकेंडली, जब आपने लेक्चर्स को अटेंटिवली लिया होगा, आपने इसको रीड आउट किया होगा, तो इसमें सामने पिन पॉइंट आंसर्स आपके पास मौजूद हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी. सो यू हैव टू डू नाउ यू नो क्वेश्चन पेज नंबर 146. यहाँ पर आपने बुक पे करना है, कुछ स्टेटमेंट्स एंड ट्रू फॉल्स करना है उनको, और आपने प्रॉपर्टी बतानी है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो विच आयरन ओर हैज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो हमें पता है जो मैग्नेटाइट है वो था इसका आंसर. व्हाट इज मैग्नेटिज्म, ये हमने किया है टास्क सी में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई डिवाइस विच हैव मैग्नेट्स इन दैम. तो ये आपके पास एक कॉमन आपका टास्क है, आपने ये देखना है कि इनमें से किस में मैग्नेट होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. तो आपके पास चार मटीरियल हैं, इसमें से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को सेपरेट करना है. उसके बाद आपने नाउ यू नो क्वेश्चन करना है पेज 149 पे, मैच करना है कॉलम को प्रॉपर वर्ड्स के साथ. उसके बाद आपने आंसर क्वेश्चन देने हैं, और ये आंसर क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं जैसे हमने टास्क सी और डी बी में किए हैं, तो इसको करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा. ब्लैंक फिल करनी है आपने. उसके बाद आप आ जाएं पेज 151 पे. यहाँ पे भी आपके पास नाउ यू नो क्वेश्चंस हैं. आपका सिंगल सेंटेंस आंसर है, डज ईच मैग्नेट हैव टू पोल्स. तो अब आपको पता है टू पोल्स होते हैं, यस लिखेंगे और उनके नेम राइट कर देंगे. डू मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिक पावर ऑन हीटिंग, यस दे लूज देयर पावर. इसका आंसर ये आ जाएगा. सामने ही बिल्कुल इस नाउ यू नो के प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं, उनमें इसके आंसर्स हैं. आइडेंटिफाई एरर इन द स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है आपने उसमें एरर फाइंड करना है. तो अब यहाँ पे ये रिपल्शन अट्रैक्शन वाला फिनोमेना है, तो अब देख लें कि अगर सिमिलर पोल होंगे तो हमेशा रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट पोल होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट को आपने बताना है कि ये सही है, अगर नहीं सही तो उसमें क्या एरर है. आपने उसको अंडरलाइन करके उसकी करेक्शन करनी है ऊपर ही इसके. उसके बाद आपने लिखना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को ट्रू और फॉल्स जो है वो आपने देखना है कि वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स. फिर आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं और तीन ब्लैंक्स हैं, आपने वो प्रॉपर वर्ड चूज़ करके ब्लैंक में राइट डाउन कर देना है. ये आपने बुक पे क्वेश्चंस करने हैं. अब हम डिस्कस करते हैं टास्क डी, जो कि थोड़े डिटेल्ड आंसर हैं. आपने मेथड ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट डिस्कस करना है सबसे पहले क्वेश्चन में. तो आप इसके लिए पेज नंबर 149 पे आएंगे, 149 पेज ओपन करेंगे. आपके पास टॉपिक है मेकिंग एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. क्लियरली मेरी बात को सुने और बुक पे इसकी मार्किंग करें जैसे हम क्लासरूम में करते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है मेकिंग एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. वहाँ पर आप सेकंड पैराग्राफ देखें, आर्टिफिशियल मैग्नेट आर आल्सो मेड बाय इलेक्ट्रिकल मेथड.
यहाँ से आपने स्टार्ट करना है सेकंड पैराग्राफ से, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो लाइन में आपके पास जो एक्टिविटी के नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है वो आपने सिर्फ फोर लाइंस, एक्टिविटी फाइव के नीचे वाला पैराग्राफ उसकी सिर्फ पहली चार लाइनें आपने जो है वो लिख देनी है। मैं पढ़ भी देती हूँ इनको। इस पास सो इट आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल डिजाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मच स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स देन द नेचुरल मैग्नेट्स। यहाँ तक आप इसका आंसर राइट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, वट आर मैग्नेटिक मटीरियल्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेटिक मटीरियल। 145 एंड 146 पेज पे इसका आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक मटीरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल जो है आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं। पेज नंबर 146 पे आप आएंगे, ऊपर लिखा हुआ है रेड राइटिंग में मैग्नेटिक मटीरियल, तो आपने ऑल मटीरियल से शुरू हो जाना है, यानी इस पेज की पहली लाइन से लेके आपने आप आएंगे लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5 फिफ्थ लाइन तक। आप 146 पेज की पहली लाइन से फिफ्थ लाइन पे जहां मटेरियल्स लिखा है वहां तक आप मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन विद एग्जांपल राइट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर टू के लिए टास्क डी के। और उसके बाद उन्होंने एक्टिविटी पूछी है तो उसके लिए आप पेज नंबर 145 पे एक्टिविटी नंबर 1 जो है आप उसको राइट करेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। एक्टिविटी 1 आपने कंप्लीट राइट करनी है, जस्ट एक पैराग्राफ है। उसके बाद आ जाएंगे थर्ड पे, आप मैग्नेट इज ब्रोकर इनटू 5 पीसेस, हाउ मेनी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विल देयर बी इन दीज पीसेस, इफ़ पोल्स आर मार्क्ड इन वन पीस हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द अदर पीस। अब यहाँ पर आपके पास इसका आंसर जो है आप पेज नंबर 147 पे अगर मूव करें, पेज नंबर 147, तो यहाँ पर एक आपके पास डू यू नो क्वेश्चन है, डू यू नो बना हुआ है, ग्रीन कलर्ड का पैच है, आप वहाँ पे देखें इसका आंसर। इफ़ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इट विल फॉर्म टू मैग्नेट्स एंड बोथ मैग्नेट्स विल हैव अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो उसने आपसे पूछा अगर 5 पार्ट्स में हो, यानी आंसर यही है, जहाँ 2 लिखा है वहाँ 5 पार्ट्स लिख देंगे। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप एक मैग्नेट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें पोल्स जो हैं 5 ही होंगे। टू मैग्नेट्स एंड बोथ मैग्नेट्स विल हैव द नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी अगर आपने 5 उसको पार्ट्स में डिवाइड किया तो 5 नॉर्थ पोल होंगे और 5 ही साउथ पोल होंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अगेन द 5 मैग्नेट्स, यहाँ 2 लिखा है आप यहाँ 5 लिख देंगे। द 5 मैग्नेट्स कैन देन बी फर्दर डिवाइडेड इन द सेम मैनर एंड ऑल द रिजल्टिंग पीसेज विल हैव बोथ अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। तो आप इस डू यू नो को आप इसकी पहली जो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लाइन जो है फिगर 14.6 से पहले पहले तक आप राइट कर देंगे और साथ में ये फिगर आप बना देंगे, ठीक है। अब इस फिगर में 2 मैग्नेट्स दिखाए गए हैं तो आप इस फिगर में 5 मैग्नेट्स को प्लेस कर देंगे। अगर आप 2 भी बना दें तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमने जस्ट इसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे दिखाना है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, व्हाट इज़ अ कंपास एंड हाउ इज़ इट यूज टू फाइंड डायरेक्शन। पेज 148 पे आ जाएं, पेज 148 पे सेकंड लाइन में देखें जहां मैग्नेटिक कंपास बनी हुई है गोल्डन कलर की, उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा है, बिल्कुल मैग्नेटिक कंपास के नीचे एक पैराग्राफ है जहां लिखा है टू नो द डायरेक्शन वेयर एवर। तो आपने टू नो द डायरेक्शन वेयर एवर से स्टार्ट करना है और इस पैराग्राफ को आपने कंप्लीट कर लेना है जियोग्राफिकल डायरेक्शंस तक, यानी ये फुल पैराग्राफ आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है टास्क डी का। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द अर्थ इज अ मैग्नेट एंड अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए टास्क है, इसको आपने खुद करना है। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है अपने लेक्चर में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर इसका डिस्कस किया है इसी लेसन का, उसमें आपको कंप्लीट मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। ये अब आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों ने खुद करना है। इसके लिए अगर मैं आपको हिंट दूं तो हिंट ये है कि आप पेज नंबर 147 पे एक्टिविटी 3 देख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको एक्टिविटी 3 में इसका आंसर मिल जाएगा। सो यू हैव टू डू दिस होमवर्क वेरी केयरफुली, जो जो मार्किंग की हैं लेक्चर को आप इस वीडियो को पॉज करके मार्किंग कर लें, जहाँ नहीं समझ आती वीडियो को रीप्ले करें, उसकी मार्किंग करें एंड देन अपना काम अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। सो दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क अस ऑन व्हाट्सएप नंबर, फॉर दैट यू हैव टू मेंशन योर नेम, ग्रेड, सब्जेक्ट, लेसन नंबर एंड लेक्चर नंबर, सो दैट यू कैन गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अल्लाह हाफिज़।